सो गाइस आज हमारे पास है रॉयल एनफील्ड की गोवन क्लासिक 350 जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया। ये है गोवन क्लासिक 350 और हमारे पास जो बगल में खड़ी है ये है ओल्ड क्लासिक 350। अब इसके में दोनों में क्या कुछ बदलाव हुई हैं, क्या नए चेंजेस मिलते हैं, क्या कुछ मिलती है, ऑन रोड प्राइस कितनी हो जाती है, और जो इसमें आपको देखोगे करीब 8 ऐसे मेजर बदलाव जो नज़र आएंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और फर्स्ट सेगमेंट में आपको कुछ पहली बार इन्होंने ऐसा चीज़ देने की कोशिश की है, तो कितने लोगों को पसंद आती है वो अलग मैटर है, लेकिन जो डिफरेंसेस हैं होने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले। सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, आप देखोगे जो व्हील है, जो यहाँ पे स्पोक व्हील आई है इसकी जो नई आपको देखोगे, और इसमें आप देखोगे ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। यहाँ पे आप दिखा दो ट्यूबलेस टायर आपको इसमें मिलते हैं जो कि स्पोक व्हील के साथ पहली बार रॉयल एनफील्ड दे रहा है। आई थिंक जितनी भी क्लासिक आती थी कभी नहीं आया था, यहाँ पर आपको मिलती है। जो आप यहाँ पर देखोगे नोजल यहाँ पर एयर फिल करने के लिए, तो ये जैसे कि स्पोक व्हील है उस हिसाब से इसको दिया गया, तो ये आपको अलग तरीके से मिल जाते हैं। इसमें आपको 19 इंच के स्पोक व्हील मिलते हैं, डुअल चैनल ईबीएस को सपोर्ट करता है, बाइबर का कैलिपर आपको नज़र आने वाला। वहीं आप बगल में देखोगे इसकी, तो इसकी जो आपको देखोगे 190/19 के आपको सेम आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे, लेकिन डिज़ाइन आपको तो इसमें अलॉय व्हील मिलती है, स्पोक व्हील मिलती है, डिस्क ऐसा ही आपको से मिलती है। एक मेजर बदलाव देखोगे यहाँ पे टायर मेटल फुली मेटल के साथ आती है जो कि एक सिंगल फ्रेम में आती है यहाँ तक फुली मेटल, लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको हाफ आपको मेटल में आती है, इतना आपको प्लास्टिक में आती है, ऐसा ही देख सकते हैं। इसमें आपको ट्रिपल टोन कलर के साथ आती है, हालांकि उसमें भी आपको मिल जाएगी लेकिन इसके अलग वेरियंट में मिल जाएगी। तो यहाँ से फ्रंट में आप देखोगे तो मेजर चेंज आपको यहाँ पे इसके स्पोक व्हील और अलॉय व्हील में आपको देखने मिल जाएगी और टायर मेटल में देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके पीछे से तो आप देखोगे, आपको एक बार मैं ऑन करता हूँ इसकी भी लाइट थोड़ा सा, और इसमें आप देखोगे ये बॉबर स्टाइल के साथ आई है, तो इसका जो लाइट है, लाइट सेटअप है, आप देखोगे काफ़ी नीचे रखा गया है, और उसका आप देखोगे तो एक बार उसका भी दिखा दो भाई। तो इसमें आप देखोगे इसका जो लाइट है इसका अलग है, ये हैलोजन टाइप में लगता है लेकिन वो थोड़ी सी प्रीमियम आपको नज़र आती है। इंडिकेटर इसका भी आपको सेम नज़र आएगा, सेम एलईडी इंडिकेटर आती है लेकिन ये थोड़ी अपराइट है। और यहाँ पे जो इसका टायर मड क्लैप है यहाँ पे भी आप देखोगे ये आपको थोड़ी सी आपको शॉर्ट नज़र आएगी, और ये जो साइड साइड से फ्रेम है आपको ये अलग तरीके से इसका फ्रेम यूज़ किया गया। वहीं आप बात करोगे इसकी गोवन क्लासिक की, तो इस पर जो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पर जो इसको होल्ड करने वाली बात है ये इस पर दिया है जो कि रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि अगर आप इसमें डुअल सीट लगवाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लग जाएगी एक डुअल सीट ऑप्शन लग जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे सीटिंग पोस्चर भी देखोगे तो इसका आपको बॉबर स्टाइल के तरीके से आते। एक बार मैं बैठ के भी दिखाना चाहता हूँ कि कैसी आ रही है। और इसका जो मेज़र और जो इसमें बदलाव अगर देखोगे तो इसको सीट में आती है, सीट हाइट में 750 mm इसकी सीट हाइट है और इस तरीके से आएगी। और सपोर्ट थोड़ा सा ये पीछे से आपको ग्रिप बना के रखेगा, ये जो आपको नज़र आने वाली है। वहीं आप देखोगे इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है आपको थोड़ी सी 750 mm के आसपास है, तो इस तरीके से आपको ये आती है। हालांकि कुशन मेरे हिसाब से दोनों में थोड़े से आपको माइन्यूट से फ़र्क आने वाले हैं, बट ये इस तरीके से आने वाले हैं। इस पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, और टैंक आपको दोनों में आपको 13 लीटर के टैंक ही मिलते हैं, माइलेज सेम ही रहने वाली है। अगला जो मेज़र बदलाव देखोगे इसके भाई आरी के इसका लोगो, अभी ये जो डुअल टोन कलर के साथ आई है तो इसका लोगो आप देखोगे ये आपको सिल्वर का आपको टच दिया, क्रोम का टच दिया गया इसमें। इसी में आपको एक आता है गोल्डन वाला जो इसका ये आपको नज़र आने वाला है, तो इस तरीके से आप देख पाओगे इसमें अलग आपको मिल जाती है। बाकी ये टैंक साइज ये आप देखोगे सब कुछ आपको मेटल आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे गोवन क्लासिक 350 का एक फॉन्ट जो होता है भाई वो नया यूज़ किया गया कंपनी के द्वारा। बाकी अगर मैं दिखाऊँ और मेज़र बदलाव तो इसमें आपको इसका जो हैंडल बार है, तो इसमें आपको हैंडल बार देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो काफ़ी टॉल मतलब काफ़ी लंबी आपको हैंडल बार मिलती है। ये आप देखो यहाँ से देखो इतनी मतलब आएगी, अगर देखें तो करीब मेरे इतना आ जाएगा पूरा। वहीं पे देखो इसका देखोगे तो भाई मतलब नॉर्मल से है यहाँ तक ही आती है, मतलब ये इतना स्पेस मतलब बाकी है। और एक चीज़ एक्सेसरीज में और है, आप इसको चाहो तो इसका जो मीडियम वाला हैंडल बार आता करीब वो यहाँ तक आएगा, वो भी आप परचेस कर सकते हो। और मेज़र इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी जो प्राइस है 235,000 एक्सोर में स्टार्ट हो जाती है और 239,000 जाती है इसकी सेकेंड वाली की। इसमें आप देखोगे 193 एक्सोर में जाती है, लेकिन जो ये वेरिएंट खड़ा है ये आपको जाती है 225,000 एक्सोर में। बाकी शोरूम का डिटेल सामने मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चाबियों में मैं दिखाऊँ तो कोई चाबियों में ऐसा मतलब मेज़र बदलाव तो नहीं है, सेम आपको चाबी आपको दोनों की मिल जाती है। और इसको मैं एक बार लगाता हूँ आपको यहाँ से, इसके मीटर भी दिखा दो भाई यहाँ से दिखा दो। एनिमेशन सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाएगी, चार्जिंग भी आपको सेम मिल जाएगी,
ट्रिपल नेविगेशन ऐसा चीज़ आपको एसेसरीज के तौर पे भी इसमें आता है। और इसमें भी आप देखोगे हैंडल बार पे जो ये है, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे ये मैट ब्लैक इसके साथ आती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ग्लॉस फिनिश आपको नज़र आएगा। इसमें आप देखोगे इसमें फुली ग्लॉस ब्लैक के साथ साथ यहाँ भी ग्लॉस ब्लैक यहाँ पे यूज़ किया गया। और इसका मीटर आप देख लो, ये कुछ इस तरीके से सेम मीटर आपको नज़र आने वाला है। तो ये कुछ मेज़र बदलाव हैं इस गोवन क्लासिक 350 और ओल्ड क्लासिक 350 में। आई होप आप लोग को ये दोनों में से कौन सी बेहतर लग रही है। और इतना मतलब बजट देखोगे, अगर 193X शोरूम बेस वाला देखोगे इसका और ये 235 देखोगे तो करीब 40,000 का डिफरेंस आ जाता है। बट इसके साथ देखोगे तो करीब 10,000 का डिफरेंस आता है। तो आप लोग को कौन सा पसंद आया है, गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, जरूर से बताना। बाकी राइड रिव्यू के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये वीडियो अपलोड कर ले। तो ये था आज के लिए वीडियो, पसंद लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई।